केन्द्र शासित प्रदेश दमण में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा मॉक ड्रिल हाथ धरवामां आवी हती, जेमां एनएसजी साथे दमण पोलीस अने कोस्ट गार्डो पण जोड़ाया हता। तो एक दिवस पहला दमणना पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग में पण मॉक ड्रिल योजाई हती, जेमां एनएसजी द्वारा पोलीस हेडक्वार्टर खाते पोलीस अने कोस्ट गार्डना जवानों माटे आधुनिक शस्त्रोनुं प्रदर्शन योजवामां आव्युं हतुं। जो कि आ पहली वार छे ज्यारे एनएसजी द्वारा प्रथम वखत मॉक ड्रिल हाथ धरवामां आवी होय। दस रात को हम लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर और 11 रात को जो पीडब्ल्यूडी भवन, यहाँ पे हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया, जहाँ पे हमने ये दिखाया कि अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो सिविल एजेंसी, सिविल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनएसजी मिलके कैसे ही एक्सरसाइज करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट करके कैसे टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। सो ये जो ड्रिल था ये 2 दिन हुआ है हमारा, और मैं बहुत खुशी के साथ ये कह सकता हूँ कि ये बहुत सक्सेसफुल ड्रिल था। इसका जो उद्देश्य था, इस टारगेट सेलेक्ट किए गए थे पहले से, और टारगेट एनएसजी द्वारा सेलेक्ट किए गए थे, और उसमें रियल टाइम बेसिस पे वहाँ पे इंसिडेंट ट्रिगर किया गया था। इंसिडेंट ट्रिगर यानी कि एक इंसिडेंट किया गया जो टेररिस्ट अटैक को सिमुलेट करता है, जिसका एक लोगों को लगे कि ऐसा कोई अटैक हो गया है। हम सबको पता था, हमने आपस में कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर रखी थी कैसे होने वाला है, इसलिए कोई पैनिक ना फैले इसलिए मीडिया को भी इन्फॉर्म किया गया था। तो इस तरीके से इंसिडेंट ट्रिगर करके सबसे पहले सभी एजेंसीज़ का, इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन का जो किस तरह से होता है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या ज़रूरी कदम हैं उठाए जाने चाहिए, किससे किससे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, यानी इस सब को परखने के लिए ये एक मॉक एक्सरसाइज हमने यहाँ पर दमन में करवाई थी।